बिशप जी इनकी गवाही है, इनकी धोती के एक पैर में जख्म हो गए थे और छोटे छोटे फुंसियों के रूप में वो पूरी टांग पर भी फैल रही थी। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने दवाइयां दी पर कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर ये दोबारा डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने कहा बच्चे को शुगर है और जब तक शुगर है तब तक ये जख्म सही नहीं होंगे। और डॉक्टर ने बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा। फिर इन्होंने अमनदीप जी से प्रार्थना करवाई, चमत्कार चर्च से प्रार्थना कराने के बाद उसके बाद इन्होंने बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अगले ही दिन से बच्ची को आराम आना चालू हो गया और अब बच्ची ठीक है। हालेलुया हालेलुया, भविष्य मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, सारे जय मसीह दी, फाइटर जी नु जय मसीह दी। ये मेरी दोती है जी, इसनों शुगर भी सी, तो मैं प्रभु तो क्षमा मांगती हाँ, मैं 2 महीने आ नहीं सकी चर्च च, तो ये जख्म हो गया सी, सारी लत्त गल दी जाती सी, तो फाइटर उन्होंने डॉक्टर ने कहा भी इनू भर्ती कराओ, इन शुगर के नाल एवं ही जख्म रहनगे। असी सारी अजमेंट करके फिर असी क्या आने, तो असी चर्च चर्च च लैके गए गुड़िया, तो बेटी पास्टर जी की बेटी अमन ने प्रार्थना की, वो कहते ना चंगा हो जाएगी। असी रात को लैके गए, दिन में जो ला जाके तेल लाया, परमेश्वर ने उदो ही चंगियाई देती, बच्ची आप ही आखे भी मैं सही आँधी, आप चर्च च जाया करा। हालेलुया, धन्यवाद।